अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुचित्रा और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं समर स्पेशल ड्रिंक। तो जी हां, वीडियो के स्टार्टिंग में तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं बनाने वाली हूं फालूदा। तो जल्दी से चलिए मेरे साथ मेरे किचन में और देख लीजिए मेरे स्पेशल फालूदा की रेसिपी। तो हमें हमारा फालूदा बनाने के लिए चाहिए ये सारे इन्ग्रीडियंट्स। ये है दही और ये है चिया सीड्स। इसको मैंने आधे घंटे पहले प्लेन वाटर में भिगो के रखा है। और ये है रुई अफ़ज़ा और ये थोड़ी सी आइस और ये है चिल्ड वाटर और ये है आइसक्रीम और ये है शक्कर और ये है अंगूर, मैंने काट लिए छोटे छोटे, और ये है अनार। आप टूटी फ्रूटी भी यूज़ कर सकते हो। और ये है सेवई, ये ऑप्शनल है, आप इसको डाल भी सकते हैं नहीं भी डाल सकते हैं। और इसको मैंने प्लेन वाटर में बॉईल करके छान के ठंडा करके रख लिया है। तो सबसे पहले हमें लेना है दही और इसमें मैं ऐड करूँगी शक्कर। तो आपको शक्कर अपने टेस्ट के हिसाब से लेना है, आपको जितना शक्कर चाहिए आप उसमें ऐड कर सकते हैं। बहुत लोग कम शक्कर कम मीठा पसंद करते हैं, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा मीठा अच्छा लगता है, तो आप अपने हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, यानी हमें इसकी लस्सी बना लेनी है। इसे अच्छे से मिक्स करते रहना है थोड़ी देर तक ताकि ये लम्स फ्री हो जाए और जो शक्कर हमने डाली है वो मेल्ट हो जाए अच्छे से। तो इसको थोड़ी देर तक इसी तरह मिक्स करते रहना है। तो अब हमें इसमें ऐड करना है थोड़ा सा ठंडा पानी और इसको मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए, ये हमारी लस्सी बनके बिल्कुल तैयार है। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी आइस ताकि ये और भी ज़्यादा ठंडी हो जाए और इसको साइड में रख देंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे इस तरह के दो मग लिए हैं और अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा सिरप और इसको मैं इस तरह से ये मग के चारों तरफ मैं लगा दे रही हूँ ताकि ये सर्व करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगे। और इस तरह से मैं इसको चारों तरफ फैला दे रही हूँ। तो बस अब इसी तरह दूसरे में भी मैं डाल रही हूँ रूह अफ़ज़ा सिरप और इसको भी इस तरह से घुमा के और चारों तरफ। तो इस तरह से मैंने इस ग्लास में रूह अफ़ज़ा सिरप डाल लिया है। मैंने यहाँ पे रूह अफ़ज़ा का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं किया है क्योंकि ऑलरेडी लस्सी में बहुत ज़्यादा शक्कर मैंने डाली है, तो इसीलिए मैंने इसमें थोड़ा सा ही रूह अफ़ज़ा इस्तेमाल किया है। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से और डाल सकते हैं। तो अब मैं इसमें डालूंगी ये लस्सी जो हमने बना के रखी हुई थी। और इसी तरह दूसरे मग में भी हम लस्सी डाल लेंगे। तो बस इस तरह से मैंने दोनों मग में लस्सी को डाल लिया है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ चिया सीड्स। तो इस तरह से मैंने दो दो चम्मच चिया सीड्स दोनों में डाल दिए हैं। तो अब हमें इसमें ऐड करना है सेवई। तो मैं इस तरह से दोनों मग में सेवई डाल रही हूँ। अब वापस मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा सिरप। जैसा कि मैंने बताया था, मैं रूह अफ़ज़ा का इस्तेमाल बिल्कुल कम कर रही हूँ, आप सब अपने टेस्ट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। अब वापस से मैं इसके ऊपर थोड़ी सी और लस्सी डालूँगी तो अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ दो दो स्कूप्स आइसक्रीम। आप अपनी पसंद का फ्लेवर यहाँ पे ले सकते हैं, जो भी आपको फ्लेवर आइसक्रीम का पसंद हो आप वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है बटर स्कॉच, तो मैंने इस दोनों में आइसक्रीम डाल दिया है और एक एक स्कूप डाल दे रही हूँ।
तो अब मैं इसके ऊपर डालूंगी थोड़े से ये अनार और थोड़े से कटे हुए अंगूर और ये थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा सिरफ। उसके बाद मैं डाल दूंगी ये स्पून। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक एक स्ट्रॉ। ये मेरा स्पेशल फालूदा बनके बिल्कुल रेडी है। कैसी लगी आप सबको ये स्पेशल फालूदा की रेसिपी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आप लोग इसको घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग इसको बच्चों के लिए बनाइएगा, बच्चे इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे, उनको बहुत अच्छा लगेगा। और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।